Missing submersible to the Titanic. Submersible vessel which takes people to see Titan the wreck of the Titanic. Just hours of oxygen left. Rescuers say they are working around a glimmer of hope today in the search for the lost Titan mini sub. Search is underway for a missing submersible. 18 जून 2023 को अमेरिकन टूरिज्म कंपनी ओशन गेट के जेरे इंतजाम एक छोटी आबदोज टाइटन जो कि शुमाली बहर अकनूस में टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए एक सियासी मुहिम पे थी। इस दौरान फटकर तबाह हो गई जिसकी वजह से आबदोज में मौजूद पांचों अफराद हलाक हुए। आज की इस वीडियो में हम टाइटन के इस एक्सपीडिशन के स्टार्ट यानी फ्राइडे 16 जून 2023 से लेके थर्सडे 22 जून 2023 जब अमेरिकन कोस्ट गार्ड ने ये ऐलान किया कि टाइटन सब में मौजूद तमाम अफराद हलाक हो गए हैं और जिसकी वजह उन्होंने इम्प्लोजन बताई, इन 6 दिनों की टाइमलाइन पे बात करेंगे कि कब क्या हुआ। इसके अलावा हम कुछ सवालों के जवाब भी तलाश करेंगे, लाइक इम्प्लोजन क्या होती है, टाइटन सब क्या है, किसने बनाई, कैसे काम करती है, कितनी बार वो टाइटैनिक के मलबे तक जा चुकी है, जो लोग हलाक हुए वो कौन थे, जब टाइटन सब तबाह हुई तो वो कितनी गहराई पे थी। ये सवाल और इसी तरह के बहुत सारे और सवाल जो आपके दिमाग में हैं उनका जवाब हम ढूंढेंगे। तो चलें आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्राइडे 16 जून 2023 इस दिन टाइटन सबमरीन और इसके अमरा 5 सियाह जिन्होंने टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए तकरीबन 12,500 फीट समुद्र की गहराई में जाना था, उन्होंने अपना 700 किलोमीटर का सफर टाइटन मदरशिप पोलर प्रिंस पे कनाडा की बंदरगाह सेंट जॉन्स न्यूफाउंडलैंड से शुरू किया। सैटरडे 17 जून 2023। 17 जून वो दिन है जब पोलर प्रिंस शिप उस डेस्टिनेशन पे पहुंची जहां से फिर टाइटन सब ने टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए समुद्र में उतरना था। इसी दिन इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाले बिलियनियर हामिश हार्डिंग ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर की और खुशी का इजहार किया कि वो भी इस एक्सपीडिशन में एज मिशन स्पेशलिस्ट शरीक हो रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि मौसम के हालात चूंकि अच्छे नहीं हैं तो शायद ये 2023 की पहली और आखिरी एक्सपीडिशन होगी। संडे 18 जून 2023 इस एक्सपीडिशन में संडे जून 18 सबसे इम्पोर्टेंट दिन था। इसी दिन टाइटन सब ने अपने असल मकसद को अचीव करने के लिए समुंदर में डाइव करना था। ओरिजिनली ये डाइव 8 एम को प्लान थी मगर यूएस कोस्ट गार्ड के अकॉर्डिंग ये अपने टाइम से 4 घंटे लेट स्टार्ट हुई और तकरीबन 12 बजे टाइटन सब ने टाइटैनिक जहाज के मलबे की तरफ अपना सफर शुरू किया जो कि 2 घंटे पे मुहित था। अपनी डाइव के स्टार्ट के 1 घंटा और 45 मिनट बाद टाइटन सब का अपने मदरशिप पोलर प्रिंस से रब्ता मुनकता हो गया। टाइटन शिप को इस तरह प्रोग्राम किया गया था कि वो हर 15 मिनट में अपनी लोकेशन इंडिकेट करने के लिए पिंग सेंड करती थी और जो आखिरी पिंग रिसीव हुई वो अराउंड 2 PM रिसीव हुई थी। रब्ता मुनकता होने के बाद भी पोलर प्रिंस के पास उम्मीद की एक किरण बाकी थी। उनका ख्याल था कि शायद कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ही वजह है और टाइटन में मौजूद लोग सेफ हैं, इसीलिए टाइटन अपने एग्जीबिशन मुकम्मल करने के बाद ओशन सर्विस पे पहुंच जाएगी। मगर ऐसा नहीं हुआ। टाइटन को ये एक्सपीडिशन मुकम्मल करने के बाद 7 बजे तक ओशन सर्विस पे नमूदार होना था। जब ऐसा नहीं हुआ तो 9:40 पर टाइटन मदरशिप ने अथॉरिटीज को टाइटन शिप की गुमशुदगी की इतला दी। मंडे 19 जून 2023 मंडे मॉर्निंग को हुकाम ने मीडिया में इस बात का इंकशाफ किया कि टाइटन लापता है जिसको फिर पूरी दुनिया की मीडिया आउटलेट ने स्पेशल कवरेज दी। साथ ही में बड़े पैमाने पर सर्च एंड रेस्क्यू मिशन शुरू किया गया जिसमें यूएस कोस्ट गार्ड, कैनेडियन कोस्ट गार्ड और खुद टाइटन मदरशिप पोलर प्रिंस ने 5,000 स्क्वायर किलोमीटर के समुन्दर में टाइटन सब को ढूंढा और समुंदर के अंदर तलाश को जारी रखने के लिए यूएस नेवी के बगैर पायलट के चलने वाले कॉर्फ 21 की हेल्प भी ली गई मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। ट्यूसडे 20 जून 2023 ट्यूसडे को फ्रांस ने भी इस तलाश में हिस्सा लेने के लिए हामी भरी और इस सर्च में हिस्सा लेने के लिए अपनी अटलांटिक शिप
को डिप्लॉय करने का ऐलान किया, जो समुद्र में गहराई तक जाने वाले टाइटन जैसे सबमर्सिबल जहाज से लैस है। इसी रोज कनाडा के लॉकहीड P3 जहाज को सर्च के दौरान कुछ आवाजें सुनाई दी। ये जहाज ऐसे आलात से लैस है जो सबमर्सिबल का पता लगाने के लिए यूज किए जाते हैं। इसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान US कोस्ट गार्ड के कैप्टन फ्रेडरिक ने बताया कि टाइटन में अब सिर्फ 40 से 41 घंटों की ऑक्सीजन बची है, और अगर हम टाइटन में मौजूद लोगों को बचाना चाहते हैं तो हमें ये ऑपरेशन इसी टाइम से पहले कंप्लीट करना होगा। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि तलाश की इन कोशिशों में समुद्र की सतह और गहराई दोनों को मॉनिटर किया जा रहा है, जिसमें सतह की तलाश के लिए C-130 और समुद्र में तलाश के लिए P-3 एयरक्राफ्ट और सुनार बायोस की मदद ली जा रही है। वेनेसडे 21 जून 2023, कैनेडियन P-3 को जो आवाजें मौसूल हुई उनको बेस बनाते हुए रिमोट ऑपरेटिंग व्हीकल को डिप्लॉय किया गया, मगर उससे भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट हासिल नहीं हुए। इस टाइम तक टाइटन में सिर्फ 24 घंटे की ऑक्सीजन बाकी बची थी। इसी रोज डीप एनर्जी रेस्क्यू शिप, जिसके पास 3000 मीटर तक गहराई में ऑपरेट करने वाली ROVs अवेलेबल थी, उसने भी इस ऑपरेशन में हिस्सा लेना शुरू किया। इसके साथ साथ दी जॉन कबोर्ट, जो कि साइड स्कैनिंग सुनार कैपेबिलिटीज की हामिल शिप है, उसने सिकंदी विनलैंड और अटलांटिक मर्लिन के हमरा इस ऑपरेशन में शमूलियत इख्तियार की। मगर इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रेंच शिप अटलांटिक, जो 6000 मीटर तक डाइव करने वाली रिमोट ऑपरेटिंग व्हीकल्स के साथ इस सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए मैवे सफर थी, ट्यूसडे की रात को ही सर्च लोकेशन पे पहुंची। थर्सडे 22 जून 2023, 22 जून को दिन 12 बजे तक टाइटन सब में मौजूद ऑक्सीजन खत्म हो जानी थी, और इसी डेडलाइन के खत्म होने के कुछ ही टाइम बाद US कोस्ट गार्ड की तरफ से ये ऐलान किया गया कि सर्च के दौरान उन्होंने टाइटैनिक के मलबे से 1600 फीट दूर तबाहशुदा टाइटन सब के कुछ बाकियात देखी हैं, और तभी ये ऐलान किया गया कि टाइटन में मौजूद तमाम 5 अफराद हलाक हो चुके हैं और इसकी वजह उन्होंने इम्प्लोजन बताई। ये तो थी टाइमलाइन के कब क्या हुआ। अब इसी हादसे से जुड़े कुछ सवाल, और सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सवाल कि इम्प्लोजन या इम्प्लोड होना क्या होता है, जो टाइटन सब के तबाह होने का वजह बना। बेसिकली इम्प्लोजन एक्सप्लोजन का ऑपोजिट है। लाइक एक्सप्लोजन में आउटवर्ड फोर्स मेन कॉज होती है किसी चीज के तबाह होने की, पर इम्प्लोजन में यही फोर्स इनवर्ड होती है, और ऐसा तभी होता है जब किसी चीज पे इनवर्ड प्रेशर बहुत ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल टाइटन सब, जिस पे तकरीबन 5800 PSI प्रेशर था जब वो इम्प्लोड हुई। अगर मैं आपको बताऊं तो ये इतना ही प्रेशर है लाइक 58 टन ट्रक टाइटन के हर स्क्वायर इंच पे एग्जिस्ट करता हो। अब अगले कुछ सवाल कि टाइटन सब क्या है, किसने बनाई और कैसे काम करती है। टाइटन सब एक छोटी सबमरीन थी जिसको इस तरह से डिजाइन और डेवलप किया गया था कि ये टूरिस्ट को टाइटैनिक शिप के मलबे तक लेके जाए, जो कि 12,500 फीट समुंदर की गहराई में मोर देन 100 ईयर से पड़ा है। टाइटन सब को कार्बन फाइबर से बनाया गया था और इसमें 5 लोगों के बैठने की गुंजाइश थी। टाइटन सब को ओशन गेट ने डेवलप किया था और इसको स्पेशली डीप सी एक्सप्लोरेशन के लिए यूज किया जाता था। टाइटन सब ब्योन्सी और प्रोपल्जन की मदद से अपने टास्क परफॉर्म करती थी और इसको रिमोटली भी कंट्रोल किया जा सकता था। टाइटन की टोटल लेंथ 22 फीट थी। ये सवाल कि टाइटन तबाह होने से पहले कितने बार टाइटैनिक के मलबे तक जा चुकी थी काफी इम्पोर्टेंट है, जिसका जवाब ये है कि टाइटन सब इससे पहले कम से कम 10 बार टाइटैनिक के मलबे तक जाके वापस आ चुकी थी। अगर आप इस इंसिडेंट में हलाक होने वाले टूरिस्ट के बारे में बात करें तो उनमें ब्रिटिश बिजनेसमैन हामेश हार्डिंग, पाकिस्तानी इन्वेस्टर शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान, फ्रेंच डाइवर पॉल हेनरी और ओशन गेट के CEO स्टॉकटन रश शामिल थे। ये सवाल के टाइटन जब तबाह हुई वो कितनी गहराई में थी। एक्सपर्ट का मानना है कि टाइटन जब इम्प्लोड हुई
तो वो अराउंड 11,500 फीट गहराई में थी, जो टाइटैनिक शिप के मलबे की गहराई से कुछ ही कम है। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। क्या अगर आपको मौका मिले तो आप इसी तरह के किसी एडवेंचर पे जाना पसंद करेंगे? अगर आपका जवाब हाँ में है तो वो कौन सा एडवेंचर होगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस वाक्य पे आपके क्या तासरात हैं वो भी जरूर शेयर करिएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको जल्द मसूर हो सके। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड दोस्त अराउंड यू। अल्लाह हाफिज़।